नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने व्याख्यानमाला की 9वीं कड़ी में मुंशी प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी पूस की रात लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी इसे तथ्य से अवगत हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही इत्यादि पद विभूषणों से विभूषित कथाकार कलमकार माने जाते हैं। उनकी कई कहानियां हैं, 300 से भी अधिक कहानियां हैं जो मानसरोवर में संकलित है 8 भागों में। मुंशी प्रेमचंद की कथा यात्रा, जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में बताया था, कि 3 चरण में संपन्न होता है। प्रथम चरण में 1916 से 1920, दूसरा चरण 1920 से 1930 और तीसरा चरण 1930 से 1936 के बीच में। प्रथम चरण में ये पूर्णतः आदर्शवादी कहानी लिखते हैं। 1920 से 1930 के बीच इनके अधिकांश कहानियाँ जो होती है वो आदर्शनोमुख यथार्थवादी कहानी होती है, और तीसरे चरण की जो कहानी है वो पूर्णतः यथार्थवादी, मैं तो यह कहूँगा कि 1933 के बाद ये नग्न यथार्थवादी कथाकार के रूप में हिंदी कथा साहित्य में अवतरित होते हैं। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी पूस की रात भारतीय किसानों की जो दुर्दशा है, जो बदहाली है, उसकी जो गरीबी है, वो गरीबी जो प्रकृति के द्वारा नियति नहीं की गई है, बल्कि वो गरीबी जो कृत्रिम गरीबी है, वो गरीबी जो संपत्ति के बंटवारा में जो असमानता है, वो गरीबी जो पूंजीपतियों, साहूकारों और जमींदारों के द्वारा थोपी गई है किसानों के ऊपर, वो गरीबी जिसके द्वारा किसान धीरे धीरे मजदूर बनने को बेबस हैं, लाचार हैं, उसी कथा तत्व को इन्होंने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। ज्ञात हो कि यह 1934 ईस्वी प्रेमचंद का वो समय है जिसमें ये बम्बई जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में काम करने के लिए। वहाँ मिल मजदूर या मजदूर नाम से इन्होंने एक फिल्म की पटकथा भी लिखी, जो काफ़ी काट छाँट की गई और लगभग उस फिल्म को ख़त्म कर दी गई, मार दी गई, और जिससे क्षुब्ध होकर वो लौटते हैं। तो कहीं ना कहीं यह उनके बम्बई जाने और वहाँ से लौटने के बीच में यह कहानी पूस की रात जो है वो हिंदी कथा साहित्य में उपस्थित होती है। 1934 भारतीय दृष्टिकोण से काफ़ी ऐतिहासिक तिथि मानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इसी वर्ष की थी। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम जी का जन्म इसी दिन होता है। गुलजार और महेंद्र कपूर जैसे फिल्मी हस्तियों का जन्म भी इसी दिन होता है। हिंदी के कथा नहीं बल्कि कविता के क्षेत्र के महारत्न केदारनाथ सिंह का भी उत्तर प्रदेश में के बलिया में 1934 में ही जन्म होता है। और उससे भी बड़ी बात, बिहार में यह 1934 का ही वर्ष है जो भारी भूकंप के झटके से पूरे बिहार को कंपित कर देता है, उथल पुथल मचा देता है। तो यह 1934 काफ़ी जद्दोजहद का वर्ष है भारतीय राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक
और धार्मिक या फिर वातावरण और देशकाल के दृष्टिकोण से, चूँकि हम सभी जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों के अधीन अपना देश था, अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, उनका शासन राजाओं पर होता था, राजाओं का जमींदारों पर और जमींदारों का तहसीलदारों पर और तहसीलदारों का फिर किसानों पर। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 1929 से लेकर 1938 तक 36 तक किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में खासकर सहजानंद सरस्वती के माध्यम से भी होता है। 1935 में जमींदारी प्रथा खत्म करने की भी एक मुहिम चलती है। तो कुल मिलाकर कहें तो पूस की रात अपने कहानी के साथ साथ है, जो ऐतिहासिक घटनाक्रमों का ताना बाना लिए हुए है, वो इस कहानी के प्रमुख पात्र अर्थात हल्कू और मुनिया जबरा, ये तीन के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि यह कहानी लगभग गोदान, जो इनका 1936 में आगे चलकर जो इनकी सबसे प्रसिद्धि का उपन्यास माना जाता है गोदान, तो वो गोदान इसी का मानो एक विस्तृत रूप इन्होंने विस्तृत आकार दिया है। यहीं हल्कू आगे चलकर मानो होरी के रूप में अवतरित होता है और यहीं मुन्नी जो है मानो वहाँ धनिया के रूप में अवतरित होती है। तो कई प्रसंग यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से उपस्थित होते हैं। खैर, इस कहानी के सारांश पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालें। कहानी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हल्कू इस कहानी का प्रमुख पात्र है, नायक है। मुन्नी है जो हल्कू की पत्नी है। हल्कू एक किसान है, बहुत छोटा किसान है, और एक जबरा है, कुत्ता के रूप में वो है, आप उसे हल्कू का मित्र भी कह सकते हैं। भारतीय किसानों की या फिर ग्राम्य परंपरा में ही नहीं बल्कि एक पुरातन परंपरा में कुत्ता एक पालतू पशु के रूप में मानव के प्राचीन आदिम सभ्यता से ही उनके साथ रहा है। महाभारत के अंतिम स्वर्गारोहण में युधिष्ठिर के साथ अंतिम शरणागति के रूप में वही कुत्ता होता है। कई सभ्यताओं के खुदाई के दौरान भी कुत्तों का एक परंपरा मिली है। वो एक वफादार पशु माना जाता है रखवाले के तौर पे। तो यह कहानी हल्कू जबरा और मुनिया के बीच की कहानी है। कहानी शुरू होती है मुनिया या मुन्नी अपने घर में झाड़ू दे रही है, आंगन में झाड़ू दे रही है, और उसी वक्त हल्कू बाहर से आता है और मुन्नी से कहता है कि जो पैसा मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था उसे लाओ, मैं वो पैसा जो सहना मांगने आया है उसे दे देता हूँ। और जब मुन्नी सुनती है तो वो तिलमिला जाती है और वो कहती है कि वो 3 रुपये जो तुमने इस बार इस ठंड से बचने के लिए, पूस के ठंड से बचने के लिए जो तुमने जमा कर रखा है, अगर वो पैसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे। लेकिन वहाँ सहना जो जमींदार का लठैत है, उसकी घुड़कियाँ या उसके गाली से डरा सहमा हल्कू कुछ देर के लिए विचलित होता है, सोचता है, लेकिन फिर उसकी गाली और घुड़कियों के डर से वो
अपनी पत्नी से कहता है अगर नहीं दोगी तो क्या मैं उसका गाली सुनूं। और तब फिर मुनिया कहती है गाली क्यों देगा, उसके बाप का राज है। लेकिन वो कहती है तो ज़रूर, लेकिन अंदर से वो टूट जाती है अपने पति के साथ है, अमर्यादित होते हुए वो नहीं देख सकती है, अपने पति को जलील होते हुए वो नहीं देख सकती है। और ताखे पर रखे वो 3 रुपये आती है और हल्कू के हाथों में लगभग फेंकते हुए कहती है खरीद चुके तुम कंबल, आ चुका कंबल। और इस तरह से वो पैसे को लौटाता है। यहाँ सहना के माध्यम से समझने की आवश्यकता है कि हल्कू में किस कदर डर है। वो डर केवल हल्कू का डर नहीं है, वो डर भारतीय वो किसानों का डर है जो अन्नदाता के रूप में इस कृषि प्रधान देश में, इस भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना मैया सूजल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासिनी। वो भारत माता की संतान का संतान वो हल्कू, वो पूरे भारत का किसान है, वो छोटे वर्ग का किसान जिसके सामने सहना जैसे लठैत हमेशा अपने ब्याज अपने सूदखोरी की जंगलों में जकड़ने के लिए तत्पर रहते थे। खैर वो पैसा वो लौटाता है और बिना कंबल के ही वो एक मोटी सी चादर लिए वो अपना फसल जाता है देखभाल करने के लिए ठंड में। तो पूस की रात जो जनवरी नाइट के रूप में अंग्रेजी में अनुवादित की गई है, पूस की रात या पूस का महीना जो होता है वो भारत में सबसे कठिन जाड़े का वो महीना होता है। पूस और माघ जो शिशिर के अंतर्गत में आते हैं, 6 ऋतुओं में परिगणित की गई है, तो पूस और माघ शिशिर ऋतु के रूप में परिगणित किए जाते हैं। तो पूस और माघ का जो ठंड है वो काफ़ी हाड़ को कपा देने वाला ठंड माना जाता है। एक जगह है जब हल्कू फसल की रखवाली के लिए पहुंचता है खेत में, और खेत में एक मड़ई दिया गया है गन्ने के ईख के पत्तों से झाँक करके वो बनाया गया है वो मड़ई, और वहाँ जब उसे ठंड चारों तरफ से लगती है तो वो कहता भी है कि यह राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। तो यह राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, एक गांव में जो अभावग्रस्त जो किसान हैं जो मजदूर हैं उनकी नियति को दर्शाता है। और वहाँ जिस तरीका से उसने व्यंग किया है हल्कू ने लगातार वो वैसे लोगों पर जिनके यहाँ मोटे मोटे लिहाफ हैं जूते हैं गर्म कोट है, जिनके यहाँ जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, ऐसे लोगों पर प्रेमचंद ने हल्कू के माध्यम से जो करारा व्यंग करवाया है। तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में वहाँ पे जबरा मौजूद है, और जबरा मानो धर्मराज के रूप में वो न्याय जो एक पूंजीपति वर्ग है, जो एक जमींदार या सामंती वर्ग है, और एक तरफ श्रमिक या किसान वर्ग है, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, या कह रहे हैं कि उत्पादक वर्ग है और उपभोक्ता वर्ग है, इन दोनों के वर्गों के बीच में जो जद्दोजहद है उसका वो एकमात्र दृष्टा के रूप में वहाँ पे है। चूँकि वो पशु है नहीं बोल सकता, लेकिन नहीं बोलते हुए भी जो वहाँ पे प्रेमचंद ने जबरा के माध्यम से जो संवाद मुख संवाद का जो एक चित्रात्मक शैली के माध्यम से जो लेखनी किया है वो अद्भुत है अद्वितीय है। जैसा कि रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनके युग के माध्यम से इस तथ्य को उजागर करने की भी कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में जो ठेठपन होता है, जो चित्रमयता जो होती है, वो
पाठकों के हृदय पर सीधे चोट करती है। और भारतीय जो कथा की जो परंपरा रही है और उसका जो भंडार है वो ही प्रेमचंद के कथा शैली में उपस्थित है। खैर, वहाँ पे ठंड से बचने के लिए हल्कू पास के बगीचे में जो आम के पत्ते गिरे हुए हैं और उन आम के पत्तों को राहड़ के डंठलों से वो झाड़ू के रूप में बहाड़ करके एक जगह इकट्ठा करता है और उसे अलाव के रूप में जलाता है और अपने ठंड से तिकुड़ते देह को या कपकपाते शरीर को बचाने की कोशिश करता है। वहीं जबरा भी आता है, वहाँ का भी एक अद्भुत दृश्य है। वहाँ थोड़ा सा हास्य व्यंग चलता है जबरा और हल्कू के बीच में जो संवाद है कि किस तरीका से छलांग लगाने का एक प्रतियोगिता और किस तरीका से वहाँ पे एक बाल सुलभ वो एक किसान बन जाता है। खैर, दूसरे तरफ नीलगायों का आक्रमण जिसके रखवाली के लिए हल्कू वहाँ गया था, उधर नीलगाय उस खेत में पहुँच चुका है। अर्थात दुश्मन केवल वो जमींदार नहीं है, वो महाजन नहीं है, वो नीलगाय भी है भारतीय किसानों के जीवन में। और तभी तो कहा जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं होरी जिंदा है। वो जो 1934 का होरी था, हल्कू था, वो कहीं ना कहीं आज 2020 में भी जिंदा है। आज भी उसके सामने नीलगाय जैसे, जंगली सुअर जैसे पशुओं के द्वारा फसलों का बर्बाद किया जाना, आज जमींदार या फिर महाजन भले न हो लेकिन बैंक किसी न किसी रूप में उसी तरीका से उसे शोषित करते हैं। उनके जमा किए हुए कंबल के पैसे उसी तरीका से लठाइतों के द्वारा अर्थात पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा छीन लिए जाते हैं और वो बेबस होकर आत्महत्या या फांसी लगाकर मरने पर बेबस होता है। इस देश में हजारों किसान प्रत्येक वर्ष फांसी लगाते हैं, अपने आत्मदाह करते हैं, आत्मलीला समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ की नंगी सरकार, यहाँ की पूंजीवादी जो फांसीवादी जो सामंती जो सरकार है या जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था किसानों की बदहाली पर तनिक भी सोच विचार या निर्णय नहीं करती है। केवल वो उन्हें वोट के रूप में ही दिखाई देते हैं। मौजूदा समय में कोरोना जैसे महामारियों में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सड़कों पर मजदूर पैदल आने को विवश हैं, जबकि जो बड़े घरों के जो बच्चे हैं वो जहाज़ों के माध्यम से, एसी रेलों के माध्यम से, विशेष विमानों के माध्यम से लाए गए हैं, उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाए गए हैं। खैर, यह नियति है और जब तक जारी रहेगा तब तक हमारे देश के किसान मजदूर संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे। पूस की रात में प्रेमचंद ने इस चीज़ का संकेत दिया है कि बहुत जल्द ही इन व्यवस्थाओं के नाश होने वाला है। शिवदान सिंह चौहान जो बहुत बड़े प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि बहुत जल्द इस फांसीवादी सामंती जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो हमारे देश की सत्ता और सामंती सोच जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसका अंत होने वाला है, उसका समाप्ति होने वाला है। खैर, नीलगाय वहाँ पे पूरे फसल को तबाह कर देती है, चौपट कर देती है, लेकिन ठंड के कारण हल्कू में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो उठे और उन नीलगायों को भगाए। वहाँ पे जबरा जद्दोजहद कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। अर्थात एक पशु होकर इस अभावग्रस्त, इस लाचार और बेबस हल्कू जैसे छोटे किसान की फसलों को बचाने में, उसके अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा में वो जी जान किए हुए है। लेकिन जो मनुष्य हैं, जो शिक्षित, जो हमारा समाज है, जो सत्ता है, जो लोकतंत्र के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, यहाँ तक कि मीडिया है, वो
जबरा से भी बदतर स्थिति में हैं, उस कुत्ते से भी बुरी स्थिति में हैं कि उनके तथ्यों को लोगों के बीच में नहीं ला रहे हैं। खैर, इस प्रकार से फसल चौपट होता है, सवेरे होता है, क्योंकि वहाँ से हल्कू को हिम्मत नहीं होता और वहीं पे जहाँ पे आग उसने जलाया था उसी अलाब के पास वो कम्बल चादर तान के सो जाता है। सवेरे उठता है, मुन्नी आती है, देखती है कि पूरा फसल चौपट है और वो तो अंदर से टूट रही है कि अब मजदूरी करके पूरे भरने होंगे, लेकिन हल्कू अंदर ही अंदर प्रसन्न है कि अब उसे जाड़े में रात में अगोरिया के लिए अर्थात खेत की रखवाली के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो कई ऐसे कथन यहाँ पे आपको कहानी में मिलेंगे, जैसे मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे, ये नियति है। ये उस समय की भी नियति थी जिसे मुन्नी व्यक्त कर रही थी, और आज ये 2020 की भी स्थिति है कि मजदूरी करने वाले मजदूर दिन रात 2400 घंटा मजदूरी कर रहे हैं और मजा लूटने वाले एसी में बैठे हुए मजा लूट रहे हैं। तो ऐसी कई कहानियां, कई उपन्यास है जो किसानों के जीवन पर बहुत ही मजबूती के साथ उनका पक्ष लेता है। फणीश्वर नाथ रेणु आगे चल के तो हुए ही एक मजबूत कलमकार, जो प्रेमचंद के विकल्प के रूप में स्थापित होते हैं। मैला आंचल से लेकर उनकी तमाम जो कहानियां हैं, वो कहानी कहीं ना कहीं इसी वहापोहों को व्यक्त करता है। लेकिन संजीव का फांस, या फिर अकाल में उत्सव पंकज सुबीर का, या भागा किसान जो है बेचन शर्मा उग्र जी का, या फिर किसान क्या करे सुरेश कंटक का, या फिर छोटा किसान जयनंदन का, ऐसी जो कथाएं हैं वो किसानों के विभत्स जो स्थिति है उस विभत्स स्थिति का दिग्दर्शन करवाता है। तो इस कहानी में कई ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पे हम अपने आप को एक पाठक के रूप में आकलन करते हैं और किसानों के प्रति सहानुभूति मन में उत्पन्न होता है, और वो महाजन और साहूकारों, जमींदारों, पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना पैदा होता है। तो इस प्रकार से यह कहानी अपने आप में कई दृश्यों को, उस समय के 1934 के वातावरण को, जो किसानों के साथ बदस्तूर जारी था, उनकी नियति के साथ जो खेल हो रहा था, उन खेल को प्रेमचंद ने